आपको अपना कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट याद है जो कि आपके जहन से जाता ही नहीं है? हम सोचते हैं यार कितने लोगों ने नोट किया होगा, कितना अजीब लगा होगा, होता है ना ऐसा? आखिर ये है क्या और क्या ये सच भी है कि नहीं, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबी कफ्तून, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, ये चीज़ आपके साथ भी हो चुकी है और मेरे साथ भी हो चुकी है। क्या, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम कभी किसी इवेंट में या कभी कोई जगह जहाँ लोग मौजूद होते हैं, वहाँ कभी कभार हम जो है एंजाइटी के अंदर या वैसे ही हम ऐसा कुछ एम्बैरेसिंग चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है ओह माय गॉड कितना बुरा इम्पैक्ट आया होगा, कितना अजीब लगा होगा सामने वाले को, वो मेरे बारे में क्या सोचा होगा, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सोच समझ के करना चाहिए था। होता है, बिल्कुल होता है, ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है। लेकिन हम जितना सोचते हैं ना उतना नहीं होता। मतलब हम कहते हैं हमसे किसी चीज़ में एक इवेंट में एक अजीब सी एम्बैरेसिंग चीज़ हो गई, हम जितना सोचेगा अगले वाला कैसा सोचेगा हमारे बारे में, वो क्या समझेगा हमारे बारे में, ओह माय गॉड यार इतनी बुरी चीज़ मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी, पता नहीं क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, हम जितना सोचते हैं ना ये उतना होता नहीं है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल में लेके जाती हूँ। अगर आपसे कोई चीज़ हुई, अगर आप एक इवेंट के अंदर आपको किसी को पानी देना था जाके और आपसे ग्लास गिर गया और वो शीशे का ग्लास टूट गया, तो हो सकता है आपके लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो, ठीक है? तो आप सोचेंगे कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने इतने ज़्यादा लोगों के सामने पानी का ग्लास गिरा दिया और मैं पानी दे भी नहीं पाई जिसे मैंने देना था, और पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, मैं कितनी इरेस्पॉन्सिबल हूँ और मैं कितनी केयरलेस हूँ, ऐसे करके सोचे होंगे, हो सकता है आपको पता था। जबकि अब आप इमेजिन करिए कि आप उसी इवेंट के अंदर मौजूद हैं और कोई लड़की या कोई भी ऐसे आ रहा है और उससे पानी गिर गया है, तो अब आपको कैसा लगेगा? हो सकता है आपको जो है उसके ऊपर हंसना ना आए या फिर आपको जो है वो एम्बैरेसिंग मोमेंट ना लगे, बिकॉज आपको लगे कि ओके ये नॉर्मल लाइफ है और इंसानों के साथ ऐसा होता रहता है। तो आपको क्या समझ आई इससे कि जितना एम्बैरेस हम सोचते हैं कि हम लोगों को फील करा रहे हैं उतना नहीं होता, और ये सच है। हम सोचते हैं कि कितना ज़्यादा एम्बैरेस हमें तो लग ही रहा होता है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में, उतना बिल्कुल भी नहीं होता, लोग उस तरह से हमारे बारे में नहीं सोचते। जैसे कि अगर आप आज बैठे अपने बारे में सोचना शुरू करें एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, ऑकवर्ड मोमेंट्स, जिसके अंदर आप सोचें कि यार पता नहीं अजीब से मोमेंट्स लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ऐसे करके आप सोचें, आपको अपने के ऊपर सोचें तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे, आपको हज़ारों मिल जाएंगे कि यार ऐसा हुआ था, एक दफ़ा ऐसा हुआ था, एक दफ़ा ऐसे हुआ था, पता नहीं आदमी हो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, हो सकता है आपको इसके बाद से हज़ारों मिल जाएं। लेकिन जब आप दूसरों के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स सोचना शुरू करें तो हो सकता है आपको सही से मिले ना, या मिले तो आपको लगे कि इतने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स नहीं है यार, इतना तो होता रहता है किसी से। तो जैसा हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सोचेंगे उतना नहीं होता, ठीक है? हाँ, क्योंकि हर कोई ज़िंदगी में, हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने टास्क के अंदर बिजी है और किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो दूसरों के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद करें। ये काम से वही कर सकते हैं जो कि बेले होते हैं और जिनको कोई काम नहीं होता, ठीक है? तो ये जितना हम सोचते हैं ना उतना नहीं होता। आप खुद सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किसी के, आप सोचेंगे किसी का एम्बैरेसिंग मोमेंट, पहली बात तो हमें याद नहीं आता, दूसरी बात अगर आप जाए तो हम सोचते हैं कि यार इतना तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम जो सोचते हैं ना वो बिल्कुल नहीं होता, मतलब कि जो हम सोचते हैं कि लोग हमें किस तरह नेगेटिवली जज करेंगे और पता नहीं क्या सोचेंगे, हम उस चीज़ को एग्जैजरेट कर देते हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि हमारा दिन, हमारा हार्ट है, हमारे इमोशंस हैं और हम अपने बॉडी सेंसेशंस फील कर सकते हैं और सब कुछ हम अपने अंदर फील कर सकते हैं, और हम ऑब्वियसली हम जो होते हैं ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, जब हमारे साथ कुछ होता है ऑब्वियसली हम अपने बारे में सोचते हैं। तो जब हमें लगता है कि हमने कुछ एम्बैरेसिंग चीज़ किया तो हम अपने ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं कि हम अपने इमोशंस फील करते हैं, अपनी चीज़ें फील करते हैं और अपने अंदर ना वो समझते हैं कि पता नहीं क्या होगा, बहुत एम्बैरेसिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम अंदर से ही ये चीज़ें सोचना शुरू कर देते हैं। एंड बिकॉज हमारी बॉडी सेंसेशंस होती हैं, हम उसको फील कर सकते हैं, हमारी इमोशंस होते हैं, हमारी थिंकिंग होती है, हम उसको सोच रहे तो हमें लगता है कि सारे ऐसे सोचते होंगे, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो हम सोचते हैं ना कि सारे बहुत ज़्यादा ये सोचते होंगे कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज हर कोई, मैंने जैसे कि अभी बताया कि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है और ये जो है चीज़ें इतनी ज़्यादा नोट नहीं की जाती। अब हाँ, ये ज़रूर है कि बड़ी मिस्टेक्स करने से हमें भी परहेज़ करना चाहिए, लेकिन अगर हमसे कुछ छोटी गलतियाँ होती हैं या कुछ ऐसे एम्बैरेसिंग या ऑकवर्ड मोमेंट्स होते हैं, उनको जो है होता है उन्हें तो हमें ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अब इसका हम क्या करें कि सही हो, मतलब
अभी हमें याद आता है कि यार एक दफा ऐसा हुआ था, आते तो रहते हैं लेकिन अब क्या करने आते रहते हैं, अब इसका हल क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहली बात, ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तब आपके जहन में ऐसे ख्याल आते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है ओवर थिंकिंग ना करें, एक और वजह हो, लेकिन आपको जब ऐसे एम्बेरसिंग मोमेंट्स आए, ऑकवर्ड मोमेंट्स आए, यानी आपको तंग करें, तो आप उसे आपके जहन में कैंसिल करें, उसे ख़त्म करें, उसे डिलीट करें। या फिर एक बड़े मज़े की चीज़ है जो मैं भी अपने साथ कर रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, कि जब ऐसे कोई एम्बेरसिंग मोमेंट्स मेरे जहन में आते हैं ना और कभी कभार मैं एम्बेरस फील करती हूँ, तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं उसी मोमेंट को अच्छी तरह से याद करती हूँ और मैं उस पर हंसना शुरू कर देती हूँ कि यार कितना फनी मोमेंट था। यानी उसके ऊपर एम्बेरस होने के बजाय मैं उसके ऊपर हंसना शुरू कर देती हूँ, और यकीन करें मुझे तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, और मतलब कि यार ऐसा हुआ था और मैंने वो कर दिया था, बहुत फनी है। ऐसा करके आप करेंगे ना तो शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें, मुझे तो ये करती है और ये मैं आपके साथ बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, तो ये भी कर सकते हैं। बाकी एक CBT टेक्निक है, CBT मीन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, ये प्रॉपर एक थेरापी है। इसकी एक टेक्निक है चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, और ये जो है मैंने इसके बाद से वीडियो बनाई थी, आप वो जाके पीछे देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक मज़े की चीज़ के ऊपर जो कि आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा। जैसे कि आप किसी इवेंट में हैं और आपके इर्द गिर्द लोग हैं और आपसे कोई एम्बेरसिंग मोमेंट हो गया है और आप जो हैं उसको जो है सोच रहे हैं और आपको बहुत अजीब सा लग रहा है, या फिर आप उस इवेंट में ही हैं और आपको लग रहा है कि आपने कितना अजीब कर लिया है, ये एक चीज़ आप फौरन करें। आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी अपने आप को रिलैक्स करने में और अपने आप को कह लें नॉर्मल करने में, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। क्या आप सोचें कि यार ये कितना बड़ा इवेंट है, इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, इतने ज़्यादा मुख्तलिफ लोग हैं यहाँ पे, हर कोई बातचीत में लगा है, हर कोई अपनी चीज़ में बिजी है, तो ये छोटी सी चीज़ कौन याद रखेगा। ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। लेट मी रिपीट, मैं दोबारा करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आप सोचिए जहाँ भी आप, यार ये इवेंट है, इतना बड़ा इवेंट है, कौन याद रखेगा, एक साल में कितना याद रखेगा, महीने में कितना याद रखेगा, कौन याद रखेगा, कोई नहीं याद रखेगा, बिकॉज यहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग बिजी हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, लोग जो हैं बातचीत करें दूसरे से, बिजी हैं अपने अपने कामों में सारे लगे हुए हैं, तो ये कौन याद रखेगा, ये तो कोई भी नहीं याद रखने वाला। तो इस ये करके आप रिलैक्स कर सकते हैं अपने आपको, और ये मैं झूठ नहीं बोल रही, ये सच है। आप खुद सोचिए आपने कभी किसी का एम्बेरसिंग मोमेंट यानी कि देखा हो और आपको पता भी ना चला वैसे वो एम्बेरसिंग मोमेंट है, तो आपने किसी का एम्बेरसिंग मोमेंट देखा हो और आपने क्या किया हो, आपको याद रहता है, आपको आज तक याद है, आपको दिन ब दिन याद आता रहता है कि ओ यार एक दफ़ा वो हुआ था एक दफ़ा, ओ माय गॉड कितना एम्बेरसिंग मोमेंट था उस बंदे के लिए, नहीं याद होता होगा, हमें सिर्फ अपने याद आते हैं, और ये कह लें नॉर्मल है कि हम सिर्फ अपना सोचते हैं, ठीक है, और ये आप ख़त्म कर सकते हैं ये एक चीज़ करके। मैंने आपको बहुत कमाल के सोल्यूशन बताए हैं जो कि आपको और ज़्यादा मिलने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, ताकि आपको इससे ज़्यादा और इससे बहुत ज़्यादा वीडियोस मिले जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं मॉडर्न टेक्निक्स को, मॉडर्न साइंसेस को एंड साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को, NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग थेरापीज एंड टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल कोच हूँ और मैं बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदलती आ रही हूँ और बहुत कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं, और मैं आप लोगों के साथ वो टेक्निक्स शेयर करती हूँ जो कि प्रूवन है और जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है, और मैं दिन ब दिन इस चीज़ में लगी हुई हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसे आसान बनाई जाए। और जब मैं आप लोगों के लिए इतना लगी हुई हूँ तो आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।